तो रोक ले राहे मस्जिद की, पर सजदे कैसे रोकेगा? मासूम दुआओं का रास्ता तू कैसे कैसे रोकेगा? चांद ने फिर आ गया। किधर? वो क्या हो गया जन्नत? दुआ कर लो भाई, ईद का चांद नजर आ गया, मुझे चूड़ियां ले दे। आपने पिछली दफा भी नहीं ले दी थी, आपकी जन्नत की चलाई खाली है। अरे अपनी जन्नत को चूड़ियां लेके दूंगा, मुझे पता है। और मेरी जन्नत को चांद रात मुबारक हो। और पता ही नहीं है तुम्हें, मैं चूड़ियां लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। मुझे पता था मेरी जन्नत ने पिछली बार भी चूड़ियां नहीं पहनी। जन्नत भाई, मुझे डर लग रहा है। अरे जन्नत को डरने की क्या जरूरत है, हम बहुत महफूज मुकाम पर हैं बेटा। यहाँ हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम बहुत दूर है, आबादी से दूर है। परेशान ना हो, आपकी जन्नत की कलाई खाली रहेगी। अरे अरे मेरी ख्वाहिश है कि हर बार ये कलाई भरी रहे चूड़ियों से। मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि हम जल्दी इस अजाब से निकले और आजादी से ईद मना सके। हम हर बार दुआ करते हैं लेकिन पूरी नहीं होती। इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमारी आओ पकार सुने, हमारी मदद करे। अरे इस दुनिया में, अरे यहाँ कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है। कोई किसी की जंग नहीं लड़ता, किसी को क्या पता कि यहाँ जन्नत और उसका भाई आजादी से ईद नहीं मना सकता। अरे ये बहरी दुनिया कभी किसी की जंग नहीं लड़ती, किसी की जंग नहीं लड़ती। ये बहरी दुनिया तब भी खामोश थी जब 1,00,000 इंसानों का कश्मीर के अंदर खून बहाया गया। ये बहरी दुनिया तब भी खामोश थी जन्नत, जब 11,000 हमारी माओ बहनों को, उनकी अजमत को, उनकी इज्जत को तार तार किया इन फौजियों ने। ये बहरी दुनिया तब भी खामोश थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब अब्बू को इन जालिमों ने घर से घसीटा था और जन्नत तुम्हें अम्मी ने पकड़ा हुआ था। इन्होंने अम्मी को भी नहीं छोड़ा। मुझे आज भी मेरे अब्बू की वो चिख है, मेरे अम्मी की वो चिख है, मेरी अम्मी की वो चिख सुनाई देती है आज भी। लेकिन इस बहरी दुनिया ने उनकी चीखों को नहीं सुना, नहीं सुना उनकी चीखों को। हम जैसे कितने मासूमों को इन जालिमों ने यतीम कर दिया है। ये आलमी दुनिया किसी की नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं कि कश्मीर में ईद मनाई जा रही है, कि यहाँ जन्नत और उसका भाई रो रहा है। किसी को कोई फिक्र नहीं। इतने साल हो गए हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। पानी बंद कर दिया, हर कुछ तो बंद, कैसे ही मनाएंगे? परेशान नहीं होना जन्नत, परेशान नहीं होना। एक दिन आएगा मेरी जन्नत की कलाई चूड़ियों से भरी होगी और मेरी जन्नत ईद मनाएगी और अपनी सहेलियों के साथ खेलेगी। बहुत दूर नहीं, बहुत दूर नहीं बच्चे, बहुत दूर नहीं।
तेरे लिए चूड़ियां लेकर आया हूँ। क्या हुआ? हम आजाद हैं यार, लेकिन हम आजाद हैं। मैं अपनी जन्नत के लिए ईद की चूड़ियां लेकर आया हूँ। जन्नत मेहंदी भी लेकर आया हूँ। इधर इधर करो, मेरी जन्नत ईद मनाएगी। हमें हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। चांद रात मुबारक हो जन्नत, आज अब्बू और अम्मी होते तो कितने खुश होते कि तुम इतनी इतनी जन्नत इतनी बड़ी हो गई है। आजादी लेंगे नहीं, आजादी छीनेंगे तुम लोगों से, छीनेंगे। ये भूलो मत, हम अकेले मुसलमान नहीं हैं, हमारे साथ यहाँ 57 मुसलमान मुल्क है। अभी वो सो रहे हैं, लेकिन वो जल्द जाग जाएंगे और फिर छीन लेंगे तुम लोगों से हम आजादी, छीन लेंगे। जन्नत जन्नत, ईद मुबारक। देना कश्मीर, तेरा हुस्न हुआ दर्द की तस्वीर। आंसू हैं तेरी आंख में, पैरों में जंजीर। वो कहते हैं आजादी को एक ख्वाब ही समझो, हम कहते हैं हर ख्वाब की होती है तादाद। कश्मीर मेरे कश्मीर, याराने जहान कहते हैं कश्मीर है जन्नत, और जन्नत किसी काफर को मिली है और ना ही मिलेगी।